तो गाइस क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर एंड मीटर। तो यहां पर आपको वेवलेंथ दे रखा है एंगस्ट्रॉम में और आपको इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर और मीटर में, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइस क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो गाइस यहां पर मैं आपको दो मेथड समझाने वाला हूं, एक यूनिटी मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो गाइस वेवलेंथ गिवन है, तो गाइस अगर आपको एंगस्ट्रॉम का रिलेशन डायरेक्ट नैनोमीटर में पता है तो आप डायरेक्ट वो रिलेशन लिख देंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10^-1 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको लिखूंगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि 5000 इंटू 1 इज 5000, कोई भी चेंज नहीं आया। 5000 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 एंगस्ट्रॉम को मैं रिप्लेस कर दूंगा 10^-1 नैनोमीटर से, राइट। अब गाइस 10^-1 इज 1/10, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 नैनोमीटर, 10 से 10 कैंसिल, आंसर इज 5000 नैनोमीटर, ठीक है। अगर आपको यूनिटी मेथड लगाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है गाइस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10^-1 नैनोमीटर, तो 5000 एंगस्ट्रॉम में कितने होंगे, 5000 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 10^-1 नैनोमीटर। गाइस सेम वैल्यू आ गई, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो गाइस यहां पर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, नैनोमीटर में। अब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो चलिए मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन आप लोगों को रिलेशन याद होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10^-10 मीटर। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, तो गाइस डायरेक्ट मेथड में पहले हम 5000 एंगस्ट्रॉम को लिख लेते हैं, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंगस्ट्रॉम, और बाद में 1 एंगस्ट्रॉम को रिप्लेस कर देंगे 10^-10 मीटर से, राइट। तो गाइस अब देखिए इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5000 upon 10^10, 3 0 से यहां पे पावर 3 से कम हो जाएगी, कितना बचेगा 7, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 multiply by 10^-7 मीटर। तो गाइस ये हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो ये डायरेक्ट मेथड था। और अगर आपको यूनिटी मेथड लगाना है तो यूनिटी मेथड के लिए सबसे पहले आपको इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10^-10 मीटर, और बाद में कितने एंगस्ट्रॉम में आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, 5000 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 10^-10 मीटर। तो गाइज ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 5 multiply by 10^-7 मीटर।